कि जिंदा कौम इंतजार नहीं करता है। आप लोगों ने पूरे चुनाव के प्रचार के क्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा था, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम विदेश में जमा काला धन को वापस करेंगे और प्रत्येक नागरिकों के खाता में स्वतः 15-15 लाख रुपया जमा हो जाएगा। इतना ही नहीं, नवयुवकों को हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नवयुवकों को हम नौकरी देंगे। उनको याद है जब चुनाव हो रहा था, प्रचार हो रहा था, तो हमारे गांव का एक लड़का, जो हमारे यहाँ के मजदूर वर्ग का एक लड़का NIT में पढ़ता था, वह कहता था कि पूर्वे जी कहेंगे लालटेन छाप, लेकिन पापा आप लालटेन छाप में वोट नहीं दीजिएगा, नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा। सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, वेतनमान वाला नौकरी नहीं, बल्कि पैकेज वाला नौकरी मिलेगी, पैकेज वाला नौकरी मिलेगी। और वह लड़का के कहने पर उसका पिता हमारे गांव में भी लालटेन छाप पर वोट नहीं दिया, यही नरेंद्र मोदी को वोट देने का काम किया। इस ढंग का भ्रांति फैलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हम लोग इंतजार करते रहे कि बैंक में कब पैसा आवेगा, खाता में कब पैसा आवेगा। नौजवानों को, एक भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, बल्कि प्रति वर्ष आपको केंद्र सरकार में छटनी होती जा रही है। इसलिए 6 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलना था, लेकिन एक भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, खाली जुमलाबाजी चल रहा है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं आपको मतलब महंगाई बढ़ी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आपको राजगीर में कहा कि 27 मार्च को 27 अगस्त को भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस झूठे भाजपा को हम सत्ता से पदच्युत करेंगे, तो जब से और पूरे सभी सेकुलर पार्टीज को एक मंच पर लावेंगे। आज लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली गए हैं, सोनिया गांधी से बात हो चुकी है, सभी नेताओं से बात हुई है। 27 अगस्त को गांधी मैदान में रैली होगी, वह रैली पूरा पटना रैली में हो जाएगा, लाखों लाख की भीड़ होगी, जहां से भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा लगेगा, आह्वान होगा लालू प्रसाद यादव का। इसलिए 3 वर्ष तक हमारे नौजवानों को झूठा आश्वासन देता रहा, एक नौजवान को भी नौकरी नहीं मिली। अब नौजवान का सब्र कब तक रहेगा, या आक्रोश फूटा है। अगर नरेंद्र मोदी में थोड़ी भी नैतिकता है तो उसको स्वतः रिजाइन कर देना चाहिए, और अगर यह आक्रोश मार्च के तहत, हम संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ है, आक्रोश है, निराशा है, किसानों में निराशा है, गरीबों में निराशा है, गांव में निराशा है, ऐसी परिस्थिति में 1 सेकंड भी नरेंद्र मोदी को सत्ता में